वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो गाइस, मैं हूं असली बिहार पाकिस्तानी रैपर। आज हम रिएक्शन करने लगे हैं द लास्ट विश। सिद्धू मूसे वाले का रिकॉर्ड लेबल है 5911 नॉट 11 रिकॉर्ड्स। सो देखते हैं गाने में क्या है। अब हो सकता है कि सिद्धू को ट्रिब्यूट भी दिया जा सकता है इस गाने में। अब मुझे लिटरली गाइस बिल्कुल नहीं पता कि इस गाने में क्या है या जो भी, बट सिद्धू के रिकॉर्ड लेबल पे गाना है, सो इस वजह से मैंने कहा कि यार इस पे रिएक्शन बनता है। सो लेट्स सी द लास्ट विश। गाने का नाम भी थोड़ा सा लाइक रिलेटेबल है। आर्टिस्ट का नाम है टाइगर हलवारा, द किड की बीट है। ओके लेट्स गो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा म्यूजिक सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गाइस जाके सुन सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। बाकी शुभ की ईपी पे हमने रिएक्शन किया, क्या खतरनाक ईपी है और क्या खतरनाक रिस्पॉन्स आप सबकी तरफ से मिला गाइस। थैंक यू सो मच, बिग लव। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी शुरू करते हैं द लास्ट विश, लेट्स गो। हगना चार ते बंदे दो ने, फेवरेट गाना है सेफ्टी ऑफ। ओके गाइस शुरू करते हैं द लास्ट विश टाइगर हलवारा। ओके 13 ऑन ट्रेंडिंग भाई साहब। ओके लेट्स गो। सर्दी बहुत हो, जस्टिस फॉर मूसेवाला। ओके ये तो 110% ट्रिब्यूट हो गया ना हवेली सिद्धू की। मैनू कह के गया सी कि हुणे मुड़े आऊंगा मां, पर मुड़िया ही नहीं। यार इतना लाइक इंट्रो स्टार्ट इतना हर्ट टचिंग है ना कि गूज बम्स आ रहे हैं। और मुझे यार गाइस ये बताएं कि ये आर्टिस्ट कौन है टाइगर हलवारा, लाइक ये सिद्धू का कुछ लगता है या कौन है, मुझे बताएं। की लेके आया पुत्त? वीरे दा सुनेहा लेके आया। भाई साहब गूज बम्स, द लास्ट विश। आओ खट के मैं शहां सब छड चले आ, ले लिया स्वाद हुण बारी जान दी, कलाकारी चक मारी पीका उत्ते मैं, छड जानी चल दी कलम हाण दी। इन्नी छोटी एज च बचाड़े चलना, खाला जी दा बाड़ा नहीं सी कांड एडे ओ लायो कफण ते जेब ओ चराउंद पा दियो, मेरे टप नाल लाके 45 भेजियो। भाई गूज बम्स, भाई साहब गूज बम्स, गूज बम्स लिटरली। जिस तरह वो सिद्धू को उन्होंने दिखाया ना, ओ ब्रो क्या है यार, यार याद ही बन गया बंदा यार। भाई यार गूज बम्स, और इतना इमोशनली अटैच कर रहा है ना अपने साथ ये गाना। पता क्यों? उसकी वजह यह है कि सिद्धू की हवेली और उसके माँ बाप को जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, कि उसकी माँ कह रही है कि मैनू नहीं पता सी कि कह के थे गैसी होने आऊँगा, मतलब जिस तरह उसकी माँ का पूरा एक्ट दिखाया जा रहा है और जिस तरह फादर का उसके एक्ट दिखाया जा रहा है, ब्रो इतना इमोशनली गाना अपने साथ अटैच कर रहा है ना। मैं सीरियसली गाइस 110% हूँ कि मैं आर्टिस्ट को ना बिल्कुल भी ना, मतलब मेरा फोकस आर्टिस्ट पे है ही नहीं, ना ही उसकी आवाज पे, ना किसी चीज पे। मेरा फोकस ना पूरा वीडियो पे चला गया सीरियसली गाइस। डैम के okay, बरो
ब्रो मतलब वो देखे वो पीछे निशान है गोलियों के, उन्होंने ना मतलब सारा कुछ ना ऐसे सेव कर लिया, वो जमीन रोड पे वो पेंट किया हुआ पूरा, वो बनाया हुआ है कि हाँ यहाँ पे हुई थी डेथ सिद्धू की। ओके यार ये बहुत सही चीज है कि ना एक एक याद रहनी चाहिए बंदे की, ना भूलना नहीं है बंदे को यार, क्रेज यार। Bro, this line is ਰੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਿਓ ਛੱਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਗਏ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਰਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਤਾਈ ਫਿਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਰੇਜਿਓ ਜਾਇਓ ਕੱਫਣ ਤੇ ਜੇਬਿਓ ਚ ਰੌਂਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਟੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਨ ਤਾਲੀ ਪਨ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला क्रेजी। भाई साहब पुत आज मेरा जन्मदिन सी, दुनिया भर दे विचो मुबारक आईया परंतु तेरे वालों नहीं आई है। शिट ब्रो, शिट ब्रो, ब्रो गूज बम्स गाइस। हैप्पी बर्थडे पापा, बर्थडे पापा, बर्थडे पापा। भाई गूज बम्स, भाई गूज बम्स ब्रो, ये वाला मैं दोबारा देख रहा हूँ भाई। नहीं यार शिट मैन शिट। पुत आज मेरा जन्मदिन सी, दुनिया भर दे विचो मुबारक आईया परंतु तेरे वालों नहीं आई है। हैप्पी बर्थडे पापा, बर्थडे पापा, बर्थडे। दस पुत तेरा हेड डाउन कास्ट तो शिट मैन। ओके सो गाइस ये था हमारा द लास्ट विश पे रिएक्शन। मैं अगर बात करूँ ना गाने की तो मेरा ना फोकस गाने पे बिल्कुल भी नहीं रहा, आर्टिस्ट पे, लिरिक्स पे भी इतना कोई खास फोकस नहीं रहा। बट बीच में थोड़ा सा लास्ट पे पार्ट आया था वो बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे। बट ना गाइस वीडियो के साथ जो अटैचमेंट हुई है ना वो आप लोग भी मतलब फील कर सकते होगे, जिस तरह उसकी माँ को उसके फादर को दिखाया गया है ना वीडियो में और जो एक्ट था इनका, ब्रो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट थी गाने में, वीडियो में ख़ास तौर पे। गाने की बात करूँ तो गाना अच्छा है नो डाउट, बट ना एक जो हवेली का पूरा एक सीन दिखाया गया जिस तरह उसके फादर मदर लाइक ब्रो गूज बम्स थे लास्ट पे, तो जिस तरह उसके फादर ने लाइक वो कहा ना कि तेरे वालों नहीं आई है बर्थडे विश, ब्रो बहुत लाइक क्या बंदा बोले यार, सीरियसली गाइस क्या बताऊं क्या बोलूं, बहुत सही लाइक
ये चीजें जो है ना, ये इस तरह के म्यूजिक वीडियोस या इस तरह की चीजें ना आ जानी चाहिए, तो बंदा ना थोड़ा सा अटैच रहता है, इमोशनली भी अटैच रहता है, वैसे भी थोड़ी याद रहती है बंदे की ताजा. सो बस ये था हमारा आज का रिएक्शन. होप सो आप सबको पसंद आया होगा गाना, आप लोगों को ऐसा लगा ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है गाइस. सो मिलते हैं अगले रिएक्शन में. मैं कुछ यार बोलना ही नहीं चाह रहा, मेरे से बोलना ही नहीं जा रहा ये देख के ना सारा कुछ जो भी है. सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले सिद्धू के किसी गाने के साथ. सिद्धू के गानों पे अभी मैंने ना उस तरह रिएक्शन किया ही नहीं है पुराने गानों पे, क्योंकि मैंने रिएक्शन ही 6-7 महीने में स्टार्ट किए हैं. तो करेंगे सिद्धू के गानों पे भी रिएक्शन दोबारा से, रिपीट पे सुनेंगे. सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा है. बाकी मिलते हैं अगले रिएक्शन में. थैंक यू सो मच, लव यू, पीस, बाय बाय. क्यों नहीं लड़ता हालातों से, तूफानों से, सवालों से, जवाबों से, भला मुझसे वाला मरा, देखा तूने देखा मैंने, यू नो लेजेंड नेवर डाई. पीस की तलाश में सुकून ही ना आए, तुझसे बात करना चाहूं तेरा फोन ही ना आए. चमन उजड़ा अब शायद ही पुलिस में आए, चूम ही ना पाए आसमान को, इतने खताकार ये तो मान लो. दुनिया बेहिस पूछता नहीं कोई, बेशक जान दो. खान जैसे लीडर को सलाम दो. मेरे मुल्क में तारीफ नहीं मिलती अच्छे काम को, मेरे मुल्क में तालीम नहीं मिलती सच ये मान लो.